हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लिख आई हूं तो देखिए आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूं और ये क्वेश्चन आपके अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे तो आप सभी लोग हमारे इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अराउंड सिक्स पॉइंट सेवन के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं सुबह दस बजे और शाम आठ बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ से यहीं पर शेयर की जाती हैं लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर लास्ट सीरीज़ में हम कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं आज आगे कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र ग्रह अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है देखिए मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये रेटेना पर बनता है अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है देखिए पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का जो संचरण होता है ये विकिरण विधि के द्वारा होता है अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था काफ़ी महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वॉटसन और क्रिक ने अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है देखिए मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है अगला क्वेश्चन है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है किसी वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है इसको होम पेज कहा जाता है अगला क्वेश्चन है गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो ये दर्पण होता है उत्तल दर्पण अगला क्वेश्चन है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है कितनी होती है तीन मीटर प्रति सेकेंड होती है अगला क्वेश्चन है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है ये जो ग्रह है आपका ये है शुक्र ग्रह है. अगला क्वेश्चन है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है तो देखिए हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक है सूर्य में अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो ये ग्रह है शुक्र ग्रह अगला क्वेश्चन है सौर मंडल की आयु कितनी है देखिए सौर मंडल की आयु 4.6 पॉइंट अरब वर्ष अगला है अगला क्वेश्चन है कौन सा पुच्छल तारा छिहत्तर वर्ष बाद दिखाई देता है ये है हेली पुच्छल तारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है तो देखिये पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ये पंद्रह करोड़ किलोमीटर है अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है सूर्य का जो प्रकाश होता है ये पृथ्वी तक पहुंचने में लेता है 500 सौ सेकेंड का समय अगला क्वेश्चन है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था देखिए भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था चौदह मई उन्नीस को कहाँ पर पोखरण में राजस्थान राज्य के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता कहला है ये कहलाता है हार्डवेयर अगला क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है तो देखिए कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडोन गैस अगला क्वेश्चन है मोनेसाइड बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है इसमें पाया जाता है थोरियम अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंत श्रावी ग्रंथी कौन सी है तो ये है आपकी था राइट ग्लैंड अगला क्वेश्चन है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है वेल मछली संसार का विशालतम स्तनधारी अगला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइड अगला क्वेश्चन है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था तो ये था स्पूतनिक फर्स्ट अगला क्वेश्चन है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को, को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ये है आपके डायनेमो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है देखिए कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति होती है ये रैम कहलाती है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी अगला क्वेश्चन है रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापी जाती है अगला क्वेश्चन है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है तो एल्यूमिनियम ये धातु है अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं सांध्य तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं इसको कहा जाता है शोभ मंडल अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में समय लगता है चार मिनट का अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है तो ये जिप्सम से बनता है अगला क्वेश्चन है मछलियों मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है सभी को पता है गलफड़ों के द्वारा मछलियाँ सांस लेती है अगला क्वेश्चन है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है देखिए हरे द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है ये प्रकाश संश्लेषण से क्रीम किस प्रक्रिया है, है, है।, है? है। मुंबई में आप कमेंट करके बताएं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना किस वर्ष की गई ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगला है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है तो खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ये द्वीप है ग्रीन लैंड अगला क्वेश्चन है आ, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है काली मिट्टी जो है ये कपास के फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है अगला क्वेश्चन है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर ही हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था तो काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है तो देखिए ये था नादिर शाहजो की कोहिनूर हीरा और मयूर सिंह हासन लौटकर अपने सात स्वदेश ले गया था अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो ये है अरावली पर्वतमाला अगला क्वेश्चन है धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है तो धरती के तल का लगभग इकहत्तर प्रतिशत पानी है अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी स्थली सीमा किस देश से लगती है तो ये लगती है बांग्लादेश से अगला क्वेश्चन है हमारे सौर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सौर का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी को इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में कल रात को आप सभी को मॉक सीरीज प्रोवाइड कराई गई थी रात को आठ बजे तो काफ़ी महत्वपूर्ण मॉक सीरीज़ थी तो आप सभी लोग एक बार चेकआउट उसे ज़रूर कर लीजिएगा आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं साथ ही साथ आप आप अगर कोई अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है वो सीरीज़ तो आप सभी लोग स्टडी विद एम पर उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज़ ज़रूर एक बार देखें देखिएगा अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है देखिए बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को कोसी नदी को अगला क्वेश्चन है गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है ये होता है आपका इथाइल मर्केप्टेन अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है तो वायुमंडल में सबसे अधिक है नाइट्रोजन अगला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है तो देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर ये ओडिशा राज्य में स्थित है अगला क्वेश्चन है किस से कर, देश से होकर अलग होकर वर्ष उन्नीस में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो देखिए बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था यह वर्ष उन्नीस सौ ईस्वी में हुआ था और किस से अलग किया गया था इसको पाकिस्तान से अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है तो देखिए डब्ल्यू का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वै अगला क्वेश्चन है एक किलो वाइट में कितनी बाइट्स होती हैं तो एक हजार चौबीस बाइट्स होती हैं एक किलो वाइट में अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन्नीस सौ उनतीस के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन्नीस के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी अगला क्वेश्चन है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था यह था बटुकेश्वर दत्त अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी तो देखिए मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका जो इसका प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार मिला यह है अमर्त्य सेन अगला क्वेश्चन है अठारह में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो देखिए विधवा पुनर्विवाह जो कानून है ये अठारह में बनाया गया था और किसके प्रयासों से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर अठारह में कहा आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था इलाहाबाद में ये दरबार आयोजित हुआ था अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी तो देखिए हैदराबाद के निजाम ने वेलेजली के साथ लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो ये थी एनी बेसेंट अगला क्वेश्चन है शहीद ए आजम का के नाम से जाने जाते हैं देखिए शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह और अभी हाल ही में भगत सिंह के नाम पर एक एयरपोर्ट का नाम रखा गया है और ये एयरपोर्ट कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अगला क्वेश्चन है आ, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था आ, और देखिए भारत का विभाजन किस योजना के फलस्वरूप हुआ था माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप अगला क्वेश्चन है जनरल डायर यानी कि जलियावाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे ये जनरल डायर की हत्या किसने की थी तो इनकी हत्या उधम सिंह ने की थी जिनके नाम पर उधम सिंह नगर जनपद का नाम पड़ा था अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन और किसके द्वारा किया गया था तो बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष उन्नीस में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए वर्तमान में की बात की जाए तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 24 नहीं 25 है ये ध्यान रखेंगे 25 उच्च न्यायालय है अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था ये थे जी वी माउलंकर अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः संबंधित है आंध्र प्रदेश से अगला क्वेश्चन है मोहनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है मोहिनीअट्टम केरला से संबंधित है और भरतनाट्यम की अगर बात करें तो यह मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है तमिलनाडु राज्य से सारे ही क्वेश्चन जो आपके नृत्यो से संबंधित है बहुत महत्वपूर्ण है इनको जरूर ध्यान रखेंगे और यहां से अक्सर द्वारा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगला है कली किस है? तो है. अगला है किस राज्य सर का शास्त्रीय नृत्य तो यह केरला का शास्त्रीय नृत्य है अगला क्वेश्चन है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण

पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था तो देखिए नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे रविन्द्र टैगोर और, और इनको वर्ष 1913 सौ तेरह ईस्वी में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अगला क्वेश्चन है जिन लोगों ने सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए मिलकर अगला क्वेश्चन है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी मिड डे मील जो योजना है इसको वर्ष उन्नीस सौ पिचानवे में शुरू किया गया था अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये है आमार सोनार बांग्ला जो कि किसके द्वारा रविन्द्र टैगोर जी के द्वारा लिखा गया अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो देखिए किस संविधान संशोधन को ये है बयालीसवां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है अगला क्वेश्चन है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं ये ऑक्सीजन और ही ियम गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं अपने साथ अगला है, का संस्थापक। कौन, माना जाता है? कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है तो देखिए फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस है एथिलीन अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है तो इसका पहला माह होता है चैत्र अगला क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं बासुद अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष के आयु होनी चाहिए अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यक्षगान जो है ये कर्नाटका का लोक नृत्य है शास्त्रीय नृत्य नहीं है ये लोक नृत्य अगला क्वेश्चन है मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनती है तो मैक मोहन रेखा है भारत और चीन के बीच अगला क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है देखिए प्याज में खाद्य भाग है होता है तना अगला क्वेश्चन है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है तो देखिए ट्वेंटी हर्ट से लेकर बीस हजार तक होती है बीस हर्ष से लेकर बीस हजार तक श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवर्ती होती है अगला क्वेश्चन है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो देखिए मधुबनी जो है ये बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है तो माउंट एवरेस्ट है आपके नेपाल में अगला क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है देखिए दक्षिण गंगा कहा जा है किस नदी को गोदावरी नदी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे तो ये थी नीलम संजीवा रेड्डी अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है देखिए संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं तो ओके गाइज आज के सेशन में इतना ही आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए धन्यवाद